going to discuss one of the topic of education. Transport equations. So transport means transportations from anything from one state to another state. मतलब transport का मतलब ही आपको होता है कि कोई चीज का यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह का transportation करना, एक जगह से दूसरी जगह travel करना, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन तरह का चीज होता है जब transportation के लिए problem आता है। तो यहाँ पे गुड्स का तो ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं, यहाँ पे आपका जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किस किस चीज़ का होगा आप पहले समझ लें। ट्रांसपोर्ट इक्वेशन में कौन कौन सा चीज़ पार्ट आ जाता है आपका। सबसे पहले तो आ जाता है आपका हीट इक्वेशन, ठीक है। पहला आता है आपका हीट इक्वेशन, हीट इक्वेशन आता है। नेक्स्ट आपका जो है वेव इक्वेशन आता है, वेव इक्वेशन आएगा आपका। एक पहला एक हीट आएगा, दूसरा आएगा वेव इक्वेशन। अगला जो होगा आपका लैपलास इक्वेशन आएगा आपका, ठीक है। लैपलास इक्वेशन आता है। तो ये सारा इक्वेशंस, ठीक है, ये सारा इक्वेशन का हम लोग कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका हीट इक्वेशन में क्या डेरिवेशन आएगा इसका, इसका वन जैसे हीट इक्वेशन में आपको वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल हीट इक्वेशन में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। वेव इक्वेशन में भी आपका आ जाएगा 1D, 2D और 3D में भी हम लोग करेंगे। और इसका भी आपका 1D, 2D और ये क्या आएगा आपका 3D में भी इसको सॉल्व करेंगे। तो हीट इक्वेशन को आप समझेंगे, सबसे पहले हीट इक्वेशन से होता है क्या है, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी हम लोग को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप हीट इक्वेशन को आप समझेंगे, सबसे पहले हीट इक्वेशन होता है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझें हीट इक्वेशन, ठीक है। हीट इक्वेशन क्या होता है आपका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पढ़ रहे हैं आप, हीट इक्वेशन में आपको यह पता होगा डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो होगा वन डायमेंशनल पहले पढ़ बता रहे हैं हम आपको, वन बाई के डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, ये आपका जो है वन डायमेंशनल में है आपका। और के जो है आपका हीट कांस्टेंट, मतलब डिफ्यूजन कांस्टेंट, इसको हम लोग डिफ्यूजन इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिफ्यूजन इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका ये के जो है आपका कॉन्स्टेंट है जिसको हम लोग हीट कॉन्स्टेंट कहते हैं या तो डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर है, मतलब अगर आपका 2D में देखें तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/k इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये आपका 2D में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका सी आपका डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1/k इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, यानी आपका क्या आएगा 3D आएगा। ये हीट इक्वेशन आया आपका। तो दूसरा है आपका वेव इक्वेशन, ठीक है। वेव इक्वेशन जो क्या होगा हम लोग का, सबसे पहले इसका वेव इक्वेशन भी हम लोग समझेंगे। वेव इक्वेशन में क्या होगा आपका, ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है ये भी आपका सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो कॉन्स्टेंट एक आपका दूसरा इन्वॉल्व करेंगे हम लोग, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 1/c स्क्वायर इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा प्लस डेल्टा यू बाई टू डेल्टा वाई स्क्वायर इंटू डी में होगा आपका 1/c स्क्वायर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आपका डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड स्क्वायर इक्वल टू होगा 1/c स्क्वायर इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा टीका स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका तीसरा जो है आपका आ जाएगा लैपलास इक्वेशन, ठीक है। अगला जो आपका लैपलास इक्वेशन आएगा आपका, लैपलास इक्वेशन क्या होता है आप देख लें पहले। सबसे पहले 1D में होगा डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आपको 1D में आता है। डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका जीरो, ये आपका 2D में आ जाएगा। और डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस क्या है आपका डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस क्या है डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड स्क्वायर, ये आपका होगा 3D, ठीक है। तो ये सारा इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो तीन चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को जो है पहला तो ये हम लोग होमोजेनस सिस्टम में इसका सॉल्यूशन सीखेंगे। होमोजेनस सिस्टम में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, होमोजेनस सिस्टम में सॉल्यूशन क्या होगा आपका। और दूसरा होगा आपका नॉन होमोजेनस सिस्टम में क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन होमोजेनस सिस्टम में इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
दो चीज़ हम लोग यहाँ से सीखेंगे हम लोग, और इसका सारा सॉल्यूशन सीखेंगे। पहले हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखेंगे हम लोग, फिर हम लोग हीट इक्वेशन का तीनों फॉर्म का, फिर वेवी इक्वेशन का, और फिर ये आपका लैपलास इक्वेशन का है। इसके अलावा हम लोग को एक और चीज़ हम लोग को डिस्कस करेंगे, वो मैथड ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जिसको एप्लीकेशन ऑफ जो आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है, वो आता है मैथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मैथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ये आपका आता है, मैथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स आता है आपका। इसमें जो है सिंपली जो आपका जितने टर्म्स इन्वॉल्व होगा आपका, जैसे यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स पता होगा आपको, क्यू आर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस क्या होगा, टी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, जीरो होता है आपका। और यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं जो है आपका एक्स टी लेते हैं, मतलब एक्स कैपिटल एक्स जो होता है स्मॉल एक्स का फंक्शन होता है आपका, और टी कैपिटल स्मॉल टी का आपका फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, डेल्टा जेड का डेल्टा एक्स निकालेंगे। जब आपको डेल्टा जेड, इसको आप इसको ऐसा ले लें आप, ठीक है ये ले लें, तो यहाँ से जब डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स निकालेंगे तो क्या होगा आपका, एक्स वन टी होगा, और डेल्टा जेड बाय डेल्टा जेड बाय डेल्टा वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखें डेल्टा जेड ये क्या होगा आपका, यहाँ तो है ही नहीं आपका, ओ टी तो जीरो हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपको डेल्टा स्क्वायर जेड और डेल्टा एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स, ये आ जाएगा आपका, अगर इसको निकालेंगे डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी तो आपका होगा एक्स टी, ये फिर होगा डेल्टा स्क्वायर जेड बाय डेल्टा टी स्क्वायर अगर निकालेंगे तो आपका होगा एक्स टी कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आपका जो है इसी फॉर्म में आएगा आपका, एक्स जो है आपका एक ओडी के फॉर्म में है, टी भी क्या है आपका एक ओडी के फॉर्म में है आपका, एक्स जीरो टेम्परेचर जब जीरो है उस कंडीशन में कितना इसका वैल्यू है, सिक्स ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए इस चीज़ को आप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को वैल्यू देते हैं डेट इक्वल टू आपका क्या एक्स टी। ठीक है, हमको डेल्टा यू का डेल्टा एक्स चाहिए तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे आप, यहाँ से आ जाएगा क्या एक्स वन टी, फिर हमको चाहिए क्या डेल्टा यू का डेल्टा टी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसको इसको ठीकिंग करेंगे तो ये एक्स क्या होगा आपका टी एस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, देखें तो यहाँ पर इक्वेशन यही है आपका डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आपका डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब प्लस क्या है यू है, तो सारे का वैल्यू आप पुट कर देंगे आप, जो भी वैल्यू है आपका सारा पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए आप डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आपका एक्स वन टी, और ये आपका डेल्टा यू बाई डेल्टा टी का वैल्यू कितना आपका एक्स टी डेस, और प्लस जो है आपका प्लस यू का जो वैल्यू हम लोग क्या लिए देख लें, यू का वैल्यू कितना एक्स टी। ठीक है, ये हम लोग का वैल्यू आ गया हम लोग का। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को, इसको हम लोग कॉमन लेना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, कॉमन कैसे लेंगे हम लोग देखें, यहाँ पे इसको आप इधर कर लें, ठीक है उसमें टी कॉमन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको इधर करेंगे क्या होगा आपका एक्स वन एक्स डैश टी माइनस एक्स टी इक्वल टू आपका होगा टू एक्स टी डैश होगा, तो यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा टू एक्स टी टी डैश हो जाएगा आपका, इसको इधर ले आए तो एक्स एक्स ये आपका आ जाएगा बाई टू एक्स आ जाएगा इक्वल टू क्या होगा टी टी डैश बाई क्या आ जाएगा आपका टी आ गया आपका। ठीक है, टी डैश बाई क्या आ गया आपका टी आ गया। अब यहाँ से टी डैश बाई टी को हम लोग क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, क्या लेते हैं के, इसको क्या कर लिए इसको मान लिए हम लोग। अब जैसे मानेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, क्या होगा आपका के डैश माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका टू के एक्स। ठीक है, इसको क्या आ जाएगा आपका टोटल क्या आ जाएगा आपका एक्स डैश माइनस टू के एक्स और माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका जीरो हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आपका आ गया। अब यहाँ से हम लोग एक कंडीशंस यहाँ पे एक्स डैश आ जाएगा, एक्स डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका देखिए टू के प्लस क्या होगा आपका वन इंटू क्या आ जाएगा आपका एक्स। ठीक है, इसको इधर करने आप तो एक्स डैश बाई क्या होगा एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका टू के प्लस वन। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेटिंग करते हैं, यहाँ से इंटीग्रेटिंग करेंगे हम लोग का क्या होगा आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा लॉग लॉग क्या आ जाएगा आपका एक्स, और ये आपका क्या जाएगा टू के प्लस वन इंटू क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस, हम लोग कोई कॉन्स्टेंट लेते हैं यहाँ पे, कॉन्स्टेंट क्या ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसी कॉन्स्टेंट, इसको इधर ले आएंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा इस चीज़ को देखिए हम, अगर इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा लॉग एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग एम 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 माइनस एन लॉग तो लॉग एम बाई एन होगा, ये आपका होगा टू के प्लस वन इंटू क्या होगा आपका एक्स, यहाँ से एक्स बाई सी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आपका ई टू द पावर क्या आ जाएगा आपका प्लस वन इंटू एक्स
इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, एक्स इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा आपका सी ई टू दी पावर एक्स, और टू के प्लस वन इंटू क्या आ जाएगा आपका एक्स। ये वैल्यू आपका आ गया, किसका वैल्यू आ गया आपका एक्स का वैल्यू आपका आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आपका एक्स का आ गया। अब हम लोग दूसरा लॉग टी इक्वल टू क्या, लॉग टी बाई क्या होगा सी वन, लॉग टी बाई सी वन इक्वल टू क्या होगा आपका के टी। तो यहाँ से जो टी का जो वैल्यू निकलेगा आपका वो क्या होगा सी वन ई टू दी पावर क्या होगा आपका के इंटू टी। तो ये वैल्यू आपका निकल गया, ये तो एक्स निकल गया आपका, ये आपका क्या निकल गया टी निकल गया। अब हम लोग जो टेम्परेचर जो है वैल्यू जो है उस चीज़ को हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, ठीक है। यू का वैल्यू जो होता है एक्स इंटू टी उसका वैल्यू लेंगे, और उसका जो वैल्यू है हम लोग का इनिशियल कंडीशन का उसको हम लोग पुट करेंगे, और पुट करके हम लोग को यहाँ से सी वन और सी टू का वैल्यू एक्स टी इक्वल टू कितना आपका यू इक्वल टू एक्स टी, दोनों का वैल्यू पुट करें, एक्स का वैल्यू कितना आपका देखें सी ई टू दी पावर टू के प्लस वन, टू के प्लस वन इंटू क्या आपका एक्स, और टी का वैल्यू कितना देखें आप, टी का वैल्यू क्या है सी वन ई टू दी पावर क्या आपका के टी, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं आप सी वन इंटू सी ई टू दी पावर क्या होगा आपका टू के प्लस वन एक्स प्लस क्या होगा आपका के टू टी आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, इसका वैल्यू क्या है देखिए आप, यू यू एक्स जीरो, यू एक्स जीरो इक्वल टू कितना आपका यू एक्स जीरो इक्वल टू कितना ये है आप, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग एज इट इज रखेंगे, टी का वैल्यू जीरो पुट करेंगे, क्या आ जाएगा आपका सी वन सी, और टी का वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे ये टर्म्स कंप्लीट खत्म हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका टू के प्लस वन इंटू क्या आ जाएगा आपका एक्स, ठीक। और इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ये क्या आपका सिक्स ई टू दी पावर कितना आ जाएगा माइनस थ्री एक्स इक्वल टू सी वन सी ई टू दी पावर क्या आपका टू के प्लस वन इंटू क्या होगा आपका एक्स। ये हम लोग का सी वन सी का वैल्यू आपको पता है कितना दिया हुआ, देख लें आप सी वन इंटू सी इक्वल टू आपका सिक्स है, और ये जो वैल्यू दिया हुआ आपका टू के एक्स एक्स तो मिल गया आपका, टू के प्लस वन इक्वल टू कितना आपका माइनस थ्री, तो टू के इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस फोर, सो के इक्वल टू कितना निकल गया आपका माइनस टू निकल के आ गया, ठीक है। के का वैल्यू आपका माइनस टू निकल गया। अब यहाँ से के का वैल्यू अगर मान आपका एक्स टी लिखे यहाँ यू एक्स टी इक्वल टू जो आएगा आपका कितना आ जाएगा सिक्स ई टू दी पावर क्या होगा माइनस थ्री एक्स, और प्लस क्या होगा थ्री एक्स प्लस जो होगा आपका के का वैल्यू पुट करेंगे आप, तो थ्री एक्स प्लस जो है आपका टू टू जब फोर थ्री एक्स प्लस क्या होगा टू टी प्लस क्या होगा टू टी आ जाएगा, ये आपका टू टी इंटू क्या आ जाएगा आपका टू टी आ जाएगा जो आपका इतना हीट इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं एक लेटेस्ट हीट इक्वेशन मान लेते हैं, लेटेस्ट हीट इक्वेशन यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था वन बाई के होता था, उस के को हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसको जब हम लोग रेशियो आएगा उसको के ही लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा यू बाई डेल्टा टी ये ले लिए हम लोग। यहाँ पे एक्चुअली में के होता था वन बाई के होता था, वन बाई के नहीं लिए क्यों, क्योंकि हीट इक्वेशन का जब कॉन्स्टेंट मानेंगे ना तो हम के मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग ले चुके हैं हम लोग कॉन्स्टेंट इसका। और आपको पता होगा हम लोग का यू इक्वल टू क्या होता है आपका एक्स टी होता है, तो यहाँ से आपका जो होगा अगर डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे तो पता होगा आपका क्या होगा एक्स डस टी होगा, अगर डेल्टा स्क्वायर यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो आपका क्या होगा एक्स डबल डस टी होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग क्या निकालेंगे डेल्टा यू बाई डेल्टा टी निकालेंगे तो कि आपका क्या होगा एक्स टी डैश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा देखिए, द इक्वेशन बिकम्स ये इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा आपका ये बन जाएगा क्या आपका यू एक्स टी, मतलब ये आपका एक्स डबल डैश टी माइनस इक्वल टू क्या होगा वन बाई सी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना एक्स टी का वैल्यू कितना एक्स टी डैश आ जाएगा, ठीक है, एक्स टी डैश आ जाएगा आपका। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा देखिए आप इसको इधर कर लेते हैं हम लोग, तो इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग एक्स डबल डैश बाई एक्स, ठीक है, एक्स डबल डैश बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा वन बाई सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सॉरी वन बाई सी स्क्वायर इंटू क्या होगा टी डैश बाई टी, ठीक है, ये आ गया। हम लोग इसको क्या ले लेते हैं के, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं इसको के, इसको मान लीजिए के से, यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो ये आ जाएगा हम लोग पहले इसका इक्वल करेंगे, फिर हम लोग इसको इसके साथ इक्वल करेंगे, तो वन बाई वन करके हम लोग इसको कर लेते हैं यहाँ पे, तो अगर इसको इसके साथ इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका देखें एक्स डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा के, तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा क्या होगा आपका एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, इसको आप इक्वेशन वन ले लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा अगर ले लेंगे आप क्या होगा वन बाई सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका टी डैश बाई टी इक्वल्स टू के, तो यहाँ से जो इसको सॉल्यूशन करेंगे आप तो ये क्या होगा आपका टी डैश
इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, टी डैश यहाँ पे माइनस होगा सी स्क्वायर टी के, सी स्क्वायर टी के इक्वल टू जीरो होगा, सी स्क्वायर टी के इक्वल टू क्या होगा जीरो, या क्या होगा एक्स इक्वल टू सी वन एक्स प्लस क्या आ जाएगा आपका सी टू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा भी पार्ट आपका देखेंगे, तो टी वन क्या है आपका टी वन डैश, मतलब ये जीरो ले रहे हैं तो आपका क्या होगा ये वन बाई सी वन स्क्वायर इंटू टी डैश बाई टी इक्वल टू क्या आपका जीरो, तो ये आपका टी डैश इक्वल टू क्या होगा जीरो, तो यहाँ से आपका जो है क्या बन के आ जाएगा, जब इसको आप डिफरेंशिएशन करेंगे इस और पास में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका c3 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से जो वैल्यू होता है u इक्वल टू क्या होता है आपको x इंटू टी, दोनों का वैल्यू बैठा दें, x का वैल्यू कितना आपका सी वन एक्स प्लस क्या है सी टू इंटू क्या होगा ये आपका सी थ्री, इस केस में आपका ये आ गया आपका। और यहाँ से आप जो है यहाँ से हम लोग का जो है केस नंबर टू लेते हैं, केस नंबर टू में क्या आ जाता है हम लोग k का वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा देखें लेट के बी पॉजिटिव, यहाँ पर लोग के को क्या ले रहे हैं कॉन्स्टेंट को क्या ले रहे हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेने का मतलब के का वैल्यू हम लोग कुछ मानना पड़ेगा, मान लेते हैं के का वैल्यू क्या है म्यू स्क्वायर, माने पॉजिटिव को लिखते हैं पी स्क्वायर के लिए, ठीक। अब जहाँ जहाँ के है वहाँ पर क्या बैठाएंगे हम लोग पी स्क्वायर, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा देखिए आप पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका एक्स डबल डैश माइनस की के जगह क्या होगा आपका पी स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसको तोड़ दें, तो जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ेंगे तो आपको पता होगा ये क्या आ जाएगा आपका एक्स एक्स जो होगा आपका वो क्या होगा दो बार डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, मतलब माइनस प्लस होगा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका पी एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा आपका सॉरी पी प्लस माइनस पी आ जाएगा आपका, ठीक है। और आपको पता होगा इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है, तो आपको जो इसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा हम लोग जो सी एफ निकालेंगे मतलब जो एक्स का वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा सी वन ई टू दी पावर माइनस एम वन एक्स, ई टू दी पावर क्या होगा आपका माइनस एम वन एक्स, तो माइनस एम वन मतलब ई टू दी पावर क्या होगा आपका पी वन एक्स प्लस क्या होगा सी टू ई टू दी पावर माइनस पी एक्स, ठीक है। ये आपका वैल्यू निकलेगा एक्स का वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे टी का सॉरी सी वन सी टू नहीं ले सकते क्योंकि सी थ्री तक हो चुका है, सी फोर लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट सी फाइव लेना पड़ेगा। अब फिर से हम लोग क्या करें टी वाला पार्ट को लोग तोड़ेंगे, यहाँ से टी का वैल्यू कितना आपका टी डैश इक्वल टू क्या आपका सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आपका टी के और के का वैल्यू कितना आपका पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ सब अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आपका आएगा वो क्या आ जाएगा देखिए टी स्क्वायर यहाँ पे आप क्या है आपका टी स्क्वायर, तो यहाँ से आपका सी स्क्वायर है, तो यहाँ से अब इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे इसको टी के रिस्पेक्ट में, अब इसको ऐसा लिख लें आप टी डैश इक्वल टू क्या होगा सी स्क्वायर ये टी इंटू क्या होगा पी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप अगर तोड़ेंगे तो ये आपका क्या बन के आ जाएगा आपका टी ये टी इसको ऐसे इस तरह लिख लें टी वन डैश बाय टी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये आपका क्या होगा लॉग टी, ये आपका लॉग टी हो जाएगा, ये आपका होगा सी स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा आपका पी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर और ये आपका टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका टी आ जाएगा और प्लस क्या होगा सी फोर सी फाइव हो चुका है, तो लॉग सिक्स लॉग सी लॉग सी सिक्स आ जाएगा। इसको इधर कर लेंगे आप, जब इसको इधर करेंगे तो ये आपका होगा लॉग टी बाई सी सिक्स इक्वल टू आपका सी स्क्वायर पी स्क्वायर और ये आपका क्या होगा टी आएगा। यहाँ से हम लोग जो है टी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो सी सिक्स और यहाँ पे आ जाएगा क्या सी सिक्स इंटू क्या होगा ए टू दी पावर सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका टी आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आपका आ जाएगा आपका। अब यहाँ से हम लोग यू कल टू क्या होगा आपका एक्स टी, यू कल टू क्या होगा एक्स टी, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू कितना निकाल के रखें देखें कहीं होगा, एक्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखें देख लें यहाँ पे ये वाला वैल्यू फोर रखेंगे और टी का वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखे हैं, ये दोनों वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा आपका सी फोर इंटू ई टू दी पावर क्या होगा आपका पी एक्स प्लस सी फाइव इंटू ई टू दी पावर माइनस पी एक्स इंटू क्या होगा आपका सी सिक्स इंटू इससे ई टू दी पावर सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू टी, ये केस आपका आ गया। अब केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड एक्स का जो वैल्यू निकलेगा रूट का इसका मतलब आ जाएगा प्लस माइनस क्या होगा आपका पी आयोटा, ठीक है, पी आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है आपको पता होगा सी एफ जो होता है ई टू दी पावर क्या होगा अल्फा एक्स इंटू कॉस बीटा सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू पी साइन बीटा एक्स, ठीक है, वही चीज़ को हम लोग पुट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग सी सिक्स तक हो चुका है, यहाँ पे सी सेवन हो जाएगा आपका सी सेवन कॉस अल्फा मतलब पी एक्स हो जाएगा आपका और सी एट तो क्या होगा सी एट इंटू साइन क्या होगा पी एक्स, ये आपका किसका वैल्यू निकल गया एक्स का वैल्यू निकल गया। अब वो लोग टी में वैल्यू पुट करते हैं, टी में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा आपका देखिए टी वन बाई
T1/T हो जाएगा आपका, और ये उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, उधर जाके हम लोग पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपका क्या होगा, माइनस में होगा। K का वैल्यू कितना, माइनस में आ जाएगा माइनस, और K की जगह क्या होगा आपका पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पी स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका सी स्क्वायर। और टी तो इधर आ चुका है आपका, ठीक है, ये टी इधर आ चुका है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या लॉग टी, और ये आ जाएगा आपका माइनस पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू टी प्लस क्या होगा आपका लॉग सी नाइन, ठीक है, सी नाइन यहाँ पे इसको इधर कर ले आप, जब इसको इधर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लॉग टी बाय सी नाइन इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी, ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग का जो टी का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका सी नाइन इंटू ई टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा आपका टी। यहाँ से जो वैल्यू है इसका वैल्यू को पुट करेंगे यू इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स टी, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं आप यू इक्वल टू एक्स टी में आ जाएगा आपका, तो यू इक्वल टू एक्स टी में से एक्स टी का वैल्यू पुट करेंगे आप तो एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये टी निकल चुका है आपका, एक्स का वैल्यू कितना देख रहे हैं यहाँ पे, एक्स इक्वल टू कितना है सी सेवन इंटू कॉस टी एक्स प्लस क्या होगा सी एट इंटू साइन क्या होगा पी एक्स, और टी का वैल्यू कितना आपका सी नाइन, और ये आपका ई टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे वर्किंग रूल समझे समझ रहे हैं किसका, केस नंबर वन का, ये क्या आपका देखिए, फॉर द सॉल्विंग ऑफ हीट इक्वेशन व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ बार, मतलब जो एक छड़ है, छड़ का जो लेंथ कुछ दिया हुआ है बार ऑफ लेंथ आर केप्ट एट द टेम्परेचर जीरो, मतलब दोनों एंड, मतलब उसका जो इनिशियल एंड है और फाइनल जो एंड है, आप इसको समझे, मान लेते ये और ये दोनों एंड को क्या किया है, वो तो दोनों का टेम्परेचर जीरो पे रखा गया है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी जो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आपका a है, तो u इक्वल टू यहाँ पे एक्स टी होता है, यहाँ पे एक्स टी मतलब क्या होगा आपका एक्स जीरो, और यहाँ पर भी आपका यू एक्स टी, मतलब यहाँ पे भी क्या आपका एक्स टी का कुछ वैल्यू होगा आपका, यहाँ पे टी भी, यहाँ पे दोनों इंड को क्या रखा है जीरो पे रखा गया है आपका, टेम्परेचर क्या है जीरो, एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज प्रिस्क्राइब, यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर जो है प्रिस्क्राइब किया, मतलब जब तक हम लोग इनिशियल टेम्परेचर को हम लोग देंगे नहीं तब तक ये जो है हम लोग को, मतलब वो तो हीट का फ्लो ही नहीं होगा, तो यहाँ पे ये लिख दें आप, यहाँ पे इस चीज़ को पहले समझ लें, इस चीज़ को यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को क्या है सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन दिया हुआ आपका, इसी का निकालना है क्या है डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई के इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा टी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है, कौन सा कंडीशन में निकालना है वो आपको क्लियर किया हुआ, फंक्शन एफ एक्स है आपका, और जो एक्स का वैल्यू वो क्या होगा जीरो से आपका ग्रेटर है, ए से क्या आपका स्मॉलर है, इस केस कंडीशन हम लोग कैसे हम लोग इस टाइम पर कैसे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन भी आपको मेंशन किया हुआ रहेगा आपका, बाउंड्री कंडीशन आपका यहाँ पे क्या है, बाउंड्री कंडीशन मतलब आपका दो वैल्यू आपका रहेगा आपका, जैसे यू जीरो टी इक्वल टू क्या दिया आपका यू ए टी इक्वल टू क्या दिया जीरो फोर ऑल टी, ये क्या आपका फोर ऑल टी है, इसको इक्वेशन टू ले लीजिए। इनिशियल कंडीशन में क्या लेंगे हम लोग यू एक्स जीरो, मतलब ये हम लोग क्या लेंगे यू एक्स जीरो इक्वल टू क्या लेंगे एफ एक्स लेंगे, और जो x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा जीरो से ग्रेटर होगा a से स्मॉलर होगा, ये क्वेश्चन थर्ड में है। यू एक्स टी का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे इससे निकालेंगे n इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई एन साइन एन पाई एक्स बाई ए टू दी पावर माइनस सी स्क्वायर एन टी, यहाँ से ई टू दी पावर n का वैल्यू भी हम लोग पुट करेंगे, सी स्क्वायर n का वैल्यू भी हम लोग पुट करेंगे, ई स्क्वायर n का वैल्यू आप देखें ये वाला वैल्यू आपका हम लोग पुट करेंगे उसकी जगह में, इंटीग्रेशन करेंगे टू बाई ए जीरो से एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स, ए का वैल्यू हम लोग देख लेंगे क्या दिया हुआ, और यहाँ पे उसी तरह हम लोग सी स्क्वायर और एन स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे, एन स्क्वायर बाई स्क्वायर के बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का मेंशन रहेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कंपेयर द गिवन प्रॉब्लम्स वन टू थ्री का जो प्रॉब्लम है हम लोग कंपेयर करेंगे और हम लोग फाइंड पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ के ए एंड एफ एक्स, हम लोग के का पार्टिकुलर वैल्यू ए का पार्टिकुलर वैल्यू और एफ एक्स का पार्टिकुलर वैल्यू को निकाल लेंगे, जब निकाल के ही हम लोग को क्या करेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे ये जो के का जो वैल्यू निकलेगा ए का जो वैल्यू निकलेगा और जो एफ एक्स का वैल्यू निकलेगा सारा हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, तो वही ई टू दी पावर एन का वैल्यू निकल जाएगा और ये आपका क्या निकल जाएगा ये आपका सी स्क्वायर एन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सी स्क्वायर एन का वैल्यू निकल जाएगा ऑफ द डिजायर्ड सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो आपका उस तरह के करके क्या आ जाएगा यहाँ पे समझेंगे। अगला जो केस है वर्किंग रूल फॉर द, आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको जो पहले बताया था बोथ टेम्परेचर जो दोनों टेम्परेचर्स था वो जीरो पे था, यहाँ पे आपको बोथ इंड्स जो है आपको इंसुलेटेड है, ठीक है, वो जो रॉड का जो है दोनों इंड्स जो है आपको इंसुलेटेड है और टेम्परेचर आपको पहले से प्रिस्क्राइब होगा ही होगा इनिशियल टेम्परेचर, तो तभी आपका हीट का फ्लो होगा अदरवाइज नहीं होगा, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लें, सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन दिया होगा सब्जेक्ट का, बाउंड्री कंडीशन दिया होगा आपका यू एक्स
जीरो टी इक्वल टू क्या आपका यू एक्स जीरो टी इक्वल टू जीरो दिया हुआ रहेगा आपके इनसे बाउंड्री कंडीशन में, और इनसे कंडीशन में आपका ये दिया होगा आपका यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स दिया होगा फॉर ऑल एक्स इज गिवेन बाय, ये आपका सॉल्यूशन है, ये इसका आपको इसी का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है, इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या वैल्यू फाइंड करना होगा आपको, ये जीरो का वैल्यू फाइंड करेंगे, ई टू द पावर एन का वैल्यू फाइंड करेंगे और ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये सारा वैल्यू अगर मिल गया तो आपका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा आपका इसको। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें आप ई जीरो का जो वैल्यू होता है आपका क्या होता है टू बाई जीरो से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू हम लोग निकालना पड़ेगा, हम लोग को ई टू द पावर एन का होगा टू बाई ए जीरो से एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कॉस एन पाई एक्स बाई एक्स एक्स ए कॉस एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स होगा, ठीक है, ये आपको देखें एफ ऑफ एक्स के लिए आपका। यहाँ से सी स्क्वायर एन के लिए आपको होगा आपका फॉर्मूला एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के बाई ए स्क्वायर, ये सारा चीज़ होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन वन टू थ्री को कंपेयर करेंगे, वन टू थ्री को कंपेयर करेंगे और हम लोग को वैल्यू जो पार्टिकुलर वैल्यू क्या निकालेंगे ए के और एफ एक्स का पार्टिकुलर वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। जब फाइंड कर लेंगे जिसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, सारा वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे ई जीरो ई टू द पावर एन और सी स्क्वायर एन पे पुट करेंगे, जिससे हम लोग का क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा इसमें क्या आपका जीरो है। अब यहाँ से जो बाउंड्री कंडीशन होगा वो भी लिख देते हैं हम लोग, बाउंड्री कंडीशन जो होगा हम लोग का वो लिख देते हैं हम लोग, बाउंड्री कंडीशन में हम लोग क्या होगा यहाँ से यू जीरो टी इक्वल टू हम लोग लेंगे क्या सी टू सॉरी सी वन, यहाँ पे सी वन लेंगे और दूसरा कंडीशन होगा यू एल टी इक्वल टू लेंगे आपका सी टू, ठीक है। यहाँ से द सॉल्यूशन जो होगा द सॉल्यूशन इज गिवेन बाय, द सॉल्यूशन इज गिवेन बाय, ये जो सॉल्यूशन होगा आपका वो क्या होगा यू एक्स टी इक्वल टू, यू एक्स टी इक्वल टू क्या होगा आपका वी एक्स टी इंटू क्या होगा आपका ए एक्स प्लस क्या होगा ए प्लस क्या होगा आपका ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। वी एक्स टी जो है आपका वो क्या क्या है वो देखें आप, वी जो है डबल एक्स वी डबल एक्स मतलब क्या डेल्टा वी स्क्वायर बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा आपका वन बाई के इंटू क्या होगा वी टी, और इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं वी जीरो टी इक्वल टू क्या होगा वी एल टी इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो, मतलब एक फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर लेंगे जिसका नाम होगा वी एक्स एक्स, ठीक है, मतलब डेल्टा। यहाँ से हम लोग को जो कैलकुलेशन करना है वो क्या करना है वी एक्स टी का वैल्यू करना है, वी एक्स टी यहाँ जो होगा आपका वो क्या होगा एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, ठीक है, एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी होगा यहाँ पे ई टू ई एन और यहाँ पे लिखेंगे साइन एन पाई एक्स पाई एल इंटू ई स्क्वायर माइनस के के स्क्वायर के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर क्या होगा टी होगा, ठीक है, ये आपका होगा आपका ये आ जाएगा आपका, और उसके बाद जो है आपका ये वैल्यू आ जाएगा आपका, और ये डी एन का आ जाएगा वी, ये आपका वी एक्स टी का आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग ई एन देखेंगे ई एन जो होगा आपका वो क्या होगा टू बाई एन और ये आपका जीरो से एन और ये आपका जीरो से ए भी लिख सकते हैं जी एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाय साइन एन पाई एक्स बाय एन जिसको इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आपका हीट इक्वेशन निकले, यहाँ ए और बी जो है आपका हीट इक्वेशन का जो है आपका ये यहाँ पे अगर रॉड है रॉड की जो लेंथ है हम लोग क्या लेंगे या तो एल लेंगे या तो ए लेंगे, उसके बाद ये हीट इक्वेशन है यू इक्वल टू आपका जीरो टू, ये आपका पहला इनिशियल टेम्परेचर है, ये आपका फाइनल सी टू है। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, इस फॉर्म में सॉल्यूशन होगा आपका ए और बी जो है आपका बाउंड्री कंडीशन है इसका आपका, ठीक है, बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन है आपका, ठीक है, ए और बी, और आपको यहाँ से बी डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा वन बाई के और ये आपका क्या होगा वी टी, ठीक है। वी जो इसका जो इसको हम लोग जो डिफाइन किए हैं यहाँ पे देखें आप वी का जो हम लोग फंक्शन जो लिए हुए हम लोग वो क्या आपका जीरो टी इक्वल टू वी एल टी इक्वल टू क्या आपका जीरो, यहाँ से वी एक्स टी का जो वैल्यू होगा आपका एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई ई एन और ये आपका क्या होगा साइन एन पाई एक्स पर एल, एल की जगह हम ए भी लिख सकते हैं आप कुछ भी लें आप या तो उसका लेंथ को एल एल लें या ए लें आपका, ठीक है, ई टू दी पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी और यहाँ से ई टू दी पावर एन का सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। तो इसमें समझे क्या क्या चीज़ हम लोग को इसमें समझना है सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन में, सबसे पहले हम लोग वेव इक्वेशन लेते हैं हम लोग डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा वन बाय सी स्क्वायर इंटू क्या होगा डेल्टा यू बाय डेल्टा टी का स्क्वायर, एक हम लोग यहाँ पे वेव इक्वेशन यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ से आपको पता होगा एक हम लोग का जो वैल्यू होता है एक्स एक्स और ये आपका होता है टी
टी ए टी टी के एक्स यू कल टू क्या होता है आपका एक्स टी होता है आपका। यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा डेल्टा यू का डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या होगा आपका एक्स टी डेस डेल्टा यू स्क्वायर बाय डेल्टा टी स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा क्या एक्स डबल ये आ जाएगा डबल डबल डेरिवेटिव ऑफ टी। अगला आ जाएगा आपका डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा आपका एक्स डस टी और डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका एक्स। ये आ जाएगा आपका ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको इक्वेशन को पुट करेंगे, तो यहाँ से पुट करके इक्वेशन क्या आ जाएगा देखिए आप इसका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू कितना आपका देखिए एक्स टी डबल डेरिवेटिव होगा सॉरी ये नहीं होगा आपका ये जो होगा इसका वैल्यू ये है आपका क्या एक्स डबल डेरिवेटिव ऑफ टी है यहाँ पे वन बाई सी स्क्वायर है और ये क्या आपका एक्स ये आपका है ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे एक्स डबल डेरिवेटिव बाय एक्स आ जाएगा आपका और ये जो आ जाएगा आपका क्या होगा वन बाई सी स्क्वायर ये आ जाएगा आपका टी डबल डेरिवेटिव बाय क्या होगा आपका टी आ जाएगा ठीक है। इसको हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं हम लोग टू ले लेते हैं ठीक है। इक्वेशन टू ना ले यहाँ पे इक्वेशन फोर इक्वेशन जो है आपका इसको आप जो है इक्वेशन थर्ड लें ठीक ये वाली को इक्वेशन थर्ड ये इक्वेशन आप थर्ड लें ये इक्वेशन आप फोर लें ठीक है। ये आपका जो है इक्वेशन जो है आपका फोर लेंगे इसको ये आपका इक्वेशन थर्ड ये आपका क्या होगा इक्वेशन आपका फोर लेंगे आप ये हो गया आपका सॉरी ये आपको एक मिनट इसका यूज होगा आपका ये पूरे को हम लोग इक्वेशन ले लेंगे आप लोगों का ठीक है। ये हम लोग पूरे इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं ठीक है। ये आप लोग इक्वेशन क्या ले लेते हैं थर्ड ले लेते हैं इसको इक्वेशन हम लोग टू ले लेते हैं यूक्वल टू एक्स टी वाले को इक्वेशन टू ले लेते हैं इसको इक्वेशन हम लोग फोर ले लेते हैं ठीक है। अब हम लोग के पास केस केस आ जाएगा आपका केस नंबर वन यहाँ से हम लोग का होगा पहले यू इक्वल्स टू क्या होगा आपका जीरो लेंगे तो क्या बन जाएगा आप देखें इक्वेशन जो होगा क्या बन जाएगा ये दोनों इक्वेशन ये दोनों जो इक्वेशन बनेगा आपका क्या ये सॉरी ये इक्वेशन फोर क्या बन जाएगा पहले देखें ये क्या होगा एक्स डबल डैश इक्व एक्स इक्वल टू क्या होगा जीरो तो यहाँ से आपका जो है सी म्यू इक्वल टू जीरो मतलब इनू ले रहे हैं तो यहाँ से आपका क्या होगा एक्स डबल डैश इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा आपका। तो यहाँ से जो वैल्यू हम लोग के पास निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आप लोगों का ये हम लोग का आ जाएगा एक्स एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो आपका सी वन होगा ठीक है सी वन होगा आपका सेकंड डेरिवेटिव में करेंगे तो हम लोग क्या होगा सी वन एक्स प्लस क्या होगा आपका सी टू हो जाएगा ठीक है। ये आपका आ जाएगा एक्स का वैल्यू निकल गया आपका फिर टी का वैल्यू अगर लिखेंगे तो उसी तरह टी भी निकलेगा आपका टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा आपका। तब इसका जब इसको निकालेंगे तो ये आपका टी इक्वल टू क्या होगा आपका सी थ्री टी प्लस क्या होगा आपका सी फोर हो जाएगा ठीक है। यहाँ से हम लोग का जो सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा इस केस में यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एक्स इंटू टी एक्स का वैल्यू कितना आपका देखें यू इक्वल टू एक्स इंटू टी एक्स का वैल्यू कितना आपका सी वन एक्स प्लस सी टू सी वन एक्स प्लस क्या आपका सी टू और टी का वैल्यू कितना आपका टी का वैल्यू आपका सी थ्री टी प्लस क्या आपका सी थ्री टी प्लस क्या है सी फोर ये आपका निकल गया। अब केस नंबर हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं ठीक है। केस नंबर हम लोग क्या लेते हैं केस नंबर टू तो केस नंबर टू में आपको पता होगा यहाँ पे यू पर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे आपका क्या होगा आपका इसमें इस बार पॉजिटिव लेंगे फिर एक बार नेगेटिव लेंगे इस तरह करके हम लोग लेंगे तो पहले हम लोग पॉजिटिव लेते हैं ठीक है। यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या लेते हैं टी स्क्वायर मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे यानी म्यू इज ग्रेटर देन क्या आपका जीरो है ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा पी का भी वैल्यू जीरो नहीं होगा ठीक है ऐसा लेंगे आप पी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या इक्वेशन बन जाएगा आपका देखेंगे इक्वेशन में आपका तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका क्या एक्स एक्स ये आ जाएगा आपका और यहाँ पे पुट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा आपका टी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स डबल डेरिवेटिव माइनस क्या होगा टी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू निकलेगा आपका उन एक्स का निकल सकते हैं आपका क्या निकलेगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका प्लस माइनस क्या होगा आपका पी प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका पी आ जाएगा आपका और यहाँ से हम लोग जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है क्या होता है सी वन सी वन मतलब नहीं होगा यहाँ पे सी फोर तक हो चुका है आपका तो यहाँ पे क्या होगा सी फाइव ई टू द पावर क्या होगा आपका पी एक्स प्लस सी सिक्स ई टू द पावर क्या होगा माइनस आपका पी एक्स ये आपका आ गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका देखेंगे इसका टेम्परेचर वाला पार्ट क्या आ जाएगा उस चीज़ को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से टेम्परेचर वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका देखें यहाँ पे आपका कितना है वन बाय सी स्क्वायर इंटू क्या है टी डबल डेरिवेटिव पर टी प्लस टू म्यू म्यू का वैल्यू कितना आपका पी स्क्वायर तो यहाँ से आपका जो वैल्यू निकलेगा टी डबल डेरिवेटिव माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होगा जीरो
यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा इसका क्या निकलेगा आपका टी, जो इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका वो आपका आ जाएगा प्लस माइनस जो आपका आ जाएगा सी पी आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा सी पी। फिर उसी तरह हम लोग पुट करेंगे, यहाँ से आपका जो टी का वैल्यू निकलेगा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका सी वन, मतलब सी सेवन हो जाएगा, सी सेवन ई टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका सी सेवन ई टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका सी पी, अब प्लस क्या होगा सी एट, यहाँ पे ई टू दी पावर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस माइनस सी पी। ठीक है, ये सी पी आ जाएगा आपका, और सॉरी ई पी एक्स भी होगा इसमें, एक्स भी आ जाएगा आपका सी पी एक्स। तो यहाँ से आप इस कंडीशन में यू कर क्या आ जाएगा आपका एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू ये आपका तो सी फाइव ई टू दी पावर पी एक्स आप प्लस क्या सी सिक्स ई टू दी पावर माइनस पी एक्स इंटू क्या होगा आपका सी सेवन ई टू दी पावर सी पी एक्स सी पी एक्स प्लस क्या होगा सी एट ई टू दी पावर माइनस क्या होगा पी एक्स, ये आपका आ गया। एक नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे केस नंबर थर्ड केस आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इस सेंस में जो होगा आपका ये क्या होगा आपका पी आई ओटा हो जाएगा आपका। ठीक है, पी आई ओटा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कितने तक यूज कर चुके हैं, यहाँ पे देखें यहाँ पे जो यूज कर चुके हैं कहाँ तक यूज किए हम लोग सी का कितना वैल्यू एट तक यूज कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, एक मिनट यहाँ से इसको मिटा लेते हैं हम लोग, यहाँ से जो हम लोग का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा उतारिए इसको उतारिए माइनस वाला लिखा है ना कि प्लस वाला बताया गया, कौन सा प्लस अभी केस नंबर टू बताया था अपना, तो माइनस वाला बैठा है ना। हाँ, अभी माइनस लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एक्स एक्स की जगह में यहाँ पे क्या जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका कितना प्लस इनफिनिटी। यहाँ पे सी एट यूज हो चुका है, क्या होगा आपका सी नाइन होगा, क्या होगा आपका सी नाइन हो जाएगा आपका सी नाइन हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा कॉस पी एक्स, क्या आ जाएगा आपका कॉस पी एक्स प्लस क्या होगा आपका कॉस पी एक्स होगा सी टेन, क्या होगा आपका सी टेन, ये क्या होगा आपका साइन क्या होगा आपका पी एक्स आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इसका वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका भी वैल्यू वही आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ जब इसका वैल्यू माइनस बैठाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा प्लस हो जाएगा। और इस केस में भी आपका जो होगा इसका वैल्यू आपका ऐसा ही होगा आपका प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका सी पी आई आ जाएगा आपका। ठीक है, इस केस में आपका कितना आ जाएगा आपका देखें, इस केस में जो वैल्यू आपका आ जाएगा टी का जो वैल्यू आ जाएगा कितना नाइन टेन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अलेवन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे अलेवन और ट्वेल्व यूज करेंगे। तो इसका अलेवन ट्वेल्व का मतलब क्या होगा आपका देखें, अलेवन और ट्वेल्व में आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या यहाँ पे सी आ जाएगा आपका सी अलेवन, ये आपका हो जाएगा सी अलेवन, और कॉस क्या होगा आपका कॉस सी पी एक्स सी पी एक्स, ये आपका आ जाएगा प्लस क्या होगा सी ट्वेल्व, और ये क्या होगा आपका साइन सी पी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा यू इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा एक्स इंटू टी, तो यू इक्वल टू एक्स इंटू टी दोनों का वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ पे दोनों का वैल्यू को आप क्या करेंगे पुट करते हैं यहाँ, तो ये आपका आ जाएगा क्या एक्स का वैल्यू ये वाला है आपका, तो ये आपका सी नाइन हो जाएगा, ये कॉस क्या होगा पी एक्स प्लस क्या होगा सी टेन, और ये आपका साइन क्या होगा पी एक्स इंटू क्या होगा आपका इंटू होगा आपका सी अलेवन इंटू कॉस कॉस क्या होगा आपका सी पी एक्स कॉस सी पी एक्स प्लस सी ट्वेल्व इंटू साइन क्या होगा आपका सी पी एक्स होगा, ये आपका इसका सॉल्यूशन निकलेगा। डी एलेम्ब्रेट मेथड भी सीखेंगे, डी एलेम्ब्रेट मेथड्स, ठीक है, डी एलेम्ब्रेट मेथड से भी हम लोग सीखेंगे। ये सारा कंडीशन आपको मिलेगा आपको कि इसका फिनाइट लेंथ में क्या कॉन्सेप्ट होता है, इनफिनाइट लेंथ में जो आपका जो होता है डी एलेम्ब्रेट मेथड में क्या होगा आपका नॉन होमोजेनियस होमोजेनियस, ये रहा नंबर वन। ठीक है, पहले हम बता रहे हैं आपको नॉन होमोजेनियस वेव इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस वेव इक्वेशन फॉर इनफिनाइट लेंथ, फॉर इनफिनाइट लेंथ, फॉर इनफिनाइट लेंथ, ये क्या होगा हम लोग इनफिनाइट लेंथ का जो हम लोग लेंगे आपका नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका देखें, आपको पता होगा जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होता है आपको पता होगा डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है वन बाय सी स्क्वायर इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी का स्क्वायर, ये आपका आता है इसमें। और ये जो वैल्यू आपका क्या होगा नॉन होमोजेनियस है, इसका मतलब आपको इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे यू एक्स एक्स होगा आपका, यू एक्स एक्स होगा,
और यहाँ पे क्या होगा आपका यू एक्स एक्स होगा आपका, और इसको हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स एक्स, और ये आपका आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आपका ये क्या आ जाएगा यू टी टी, इसको ऐसा लिखते हैं आप, इसको ये जो आ जाएगा आपका यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स इक्वल टू क्या होगा नॉन होमोजेनियस है, मतलब ये आपका ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टी आ जाएगा। ठीक, यहाँ से जो एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका एक्स का वैल्यू जो होगा माइनस इन्फिनिटी से कम होगा, ये आपका प्लस इन्फिनिटी होगा, जो टी का जो वैल्यू है, ठीक है, जो टी का जो वैल्यू होगा वो आपका ग्रेटर देन क्या होगा आपका जीरो होगा, टी का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका इनिशियल कंडीशन दिया हुआ आपका, इसका इनिशियल कंडीशन आपका दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन जो है आपका वो भी इसका दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन में क्या आपका यू एक्स जीरो इक्वल टू दिया हुआ आपका एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, और ये है आपका यू टी, ये आपका क्या है यू टी, और ये आपका है आपका यू टी है आपका, और उसके बाद जो एक्स जीरो, ठीक है, ये आपका एक्स जीरो इक्वल टू क्या आपका जी एक्स, ये आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है उसका आपका, और यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आपको पता ही होगा वही चीज़ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये एक्स है, एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स टू क्या होगा इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का आएगा इस कंडीशन में जो होगा जो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, देखिए आप द सॉल्यूशन ऑफ कोसी प्रॉब्लम, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ कोसी प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन ऑफ कोसी प्रॉब्लम्स जो होगा उसका इस कंडीशन में जो होगा जब आपका इस लेंथ इनफिनाइट लेंथ का कॉन्सेप्ट हो तो जिसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा यू एक्स टी इक्वल्स टू क्या होगा आपका वन बाई टू, ये आपका एफ ऑफ एक्स, और ये आपका क्या आ जाएगा एक्स प्लस सी टी, एक्स प्लस क्या होगा सी टी, प्लस क्या होगा एफ ऑफ एक्स माइनस क्या होगा आपका सी टी होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका अब प्लस वन बाई टू सी, वन बाई टू सी क्या होगा आपका एक्स माइनस सी टी, एक्स ये होगा आपका यू टी टी, आपका क्या सी स्क्वायर यू एक्स एक्स है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है जीरो से आपका ग्रेटर होगा इन्फिनिटी से कम होगा, टेम्परेचर जो होगा आपका जीरो से क्या होगा आपका ग्रेटर होगा, यहाँ से आपका ये तो ये आपका आप इसका बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, इसका बाउंड्री कंडीशन में आपका क्या है यूज मतलब जीरो टी, मतलब एक्स का वैल्यू क्या आपका जीरो है, इस कंडीशन में जो आपका वैल्यू क्या दिया है जीरो दिया हुआ है, और जीरो और ये आपका टेंस टू क्या आपका इन्फिनिटी ये दिया हुआ आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे इनिशियल कंडीशन जो आपका यहाँ पे इनिशियल कंडीशन जो होगा आपका, इनिशियल कंडीशन क्या होगा आपको देखें, इनिशियल कंडीशन में जो आपका आ जाएगा इसका वैल्यू वो क्या आ जाएगा आपका यू एक्स जीरो, यू एक्स जीरो इक्वल टू जो आपका वैल्यू आएगा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यू टी, यू टी और ये आपका होगा एक्स जीरो इक्वल टू जो आपका आएगा आपका जीरो, जीरो आएगा। ठीक है, जीरो और ये आप जीरो अरे एक्स का वैल्यू आपका इस तरह करके लाइक कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू जो आपका जीरो से ग्रेटर है और इन्फिनिटी से आपका कम है। यहाँ पे जो है द सॉल्यूशन जो होगा आपका देखें इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इस कंडीशन में जो इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा गिवन बाय ये आपका यू एक्स टी, मतलब यू एक्स ऑफ टी होगा इक्वल्स टू ये आपका आ जाएगा, उसके बाद वन बाई टू, वन बाई टू इंटू यू, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स माइनस सी टी, एक्स माइनस सी टी प्लस यू एक्स प्लस क्या होगा आपका सी टी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा इसका, और एक्स इज ग्रेटर देन यहाँ पे क्या होगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा सी टी आएगा आपका। नेक्स्ट अगर आपका देखिए इस कंडीशन में वन बाई टू आपका ये क्या होगा यू होगा आपका यहाँ पे, और एक्स प्लस सी टी होगा, एक्स प्लस क्या होगा सी टी, और माइनस यू होगा और एक्स माइनस क्या होगा आपका सी टी। ठीक है, एक्स माइनस सी टी ये कब कंडीशन में होगा आपका, ये कंडीशन कब होगा आपका जब एक्स का वैल्यू जो होगा आपका कैसा हो वो ये कंडीशन में हो। ठीक है, ये कंडीशन होगा तो ये आ जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन का कंडीशन है आपका जब सेमी इनफिनाइट लेंथ होगा, तो नाइट लेंथ आपको इनफिनाइट लेंथ में वेव इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए आपको, ये यू टी टी है। ठीक है, इसको हम लोग डी एलेम्ब्रेट मेथड से हम लोग निकालेंगे इसको, यहाँ से हम लोग जो होगा यहाँ से हम लोग इस चीज़ को डी एलेम्ब्रेट मेथड से हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे डी एलेम्ब्रेट मेथड, डी एलेम्ब्रेट मेथड। ठीक है, इस मेथड से इसका हम लोग सॉल्यूशन को निकालेंगे डी एलेम्ब्रेट मेथड से। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका इस कंडीशन पे आपका एक्स का वैल्यू होगा मतलब माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा आपका और इन्फिनिटी से क्या होगा आपका छोटा होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू अब यहाँ से आपके इनिशियल कंडीशन देख लें इसका, यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन होगा इसका, इसका जो इनिशियल कंडीशन होगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका
यू एक्स जीरो प्लस टू, यू एक्स जीरो प्लस टू क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स होगा आपका, और नेक्स्ट जो होगा आपका यू टी एक्स जीरो, ठीक है, यू टी एक्स जीरो इक्वल टू क्या होगा आपका जी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन होगा आपका, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इस कंडीशन में जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका यू एक्स टी और इक्वल्स टू क्या होगा आपका वन बाई टू, वन बाई टू एफ ऑफ क्या होगा एक्स प्लस सी टी, प्लस क्या होगा आपका वन प्लस एक्स ए, और ये तो ये क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस क्या होगा आपका सी इन टू टी, ये क्या आ जाएगा आपका। अब प्लस क्या आ जाएगा इसके साथ, ये भी आ जाएगा वन बाई टू सी, वन बाई टू सी आ जाएगा इसका, और एक यहाँ से जो इंटीग्रेशन होगा एक्स माइनस सी टी, और ये आपका होगा एक्स प्लस क्या होगा सी टी, ये आ जाएगा जी सी ए, जी आ जाएगा आपका जाई, ये आपका जाई है इंटू डी जाई, ठीक है। ये नॉन होमोजेनस वेव इक्वेशन, नॉन होमोजेनस का मतलब होगा कि जो आपका आर एच एस जो होगा वो जीरो नहीं होगा, मतलब वो आपका कुछ फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स टी के फॉर्म में होगा, ऐसा होगा कि एक्स का वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा जीरो से ग्रेटर होगा, और यहाँ पे एल से टी आर जीरो से ग्रेटर होगा और टी से छोटा होगा, ठीक है, टी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होगा आपका और एल से छोटा होगा, एल मतलब यहाँ पे जो लेंथ होगा उसका, ठीक है, ये आपका आएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका, इसका विथ द बाउंड्री कंडीशन इसका दिया हुआ है, इसका यहाँ पे इसका जो है एल का वैल्यू जो लेंथ है इसका, इसका बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है यू इक्वल टू जीरो टी में या यू इक्वल टू एल टी में, दोनों में क्या है जीरो है, मतलब पहले और सब यू जीरो टी मतलब और फिर एल टी मतलब इनिशियल में दोनों क्या हो जीरो है, इनिशियल कंडीशन में दिया हुआ यू एक्स जीरो मतलब टेम्परेचर क्या आपका जीरो है, तो यहाँ पे फाइव एक्स होगा, और यू टी इक्वल टू एक्स जीरो यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम लोग जी एक्स ले लेंगे, तो यहाँ से ये सॉल्यूशन होगा आपका इस कंडीशन पे इक्वेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपको डी एन का वैल्यू फाइंड करना है, ई एन का वैल्यू आपको इस फॉर्मूला से फाइंड करना है, और एफ एन जो है ये आपका ये वैल्यू फो फाइव फाइंड करना है इस मेथड से, तो आराम से आप इस चीज़ को फॉर्मूला को रखेंगे दिमाग पे और आराम से इस चीज़ को सारा डी एन ई एन और एफ एन एफ एन एफ एन एस है यहाँ पे, जहाँ पे एस है वहाँ पे टी को एस से रिप्लेस कर देंगे और ये वैल्यू आपका आ जाएगा, उसको इंटीग्रेशन करेंगे इसका सॉल्यूशन करके इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग समझेंगे लैप्लास इक्वेशन, आपको पता होगा क्या होगा आपका डेल्टा यू स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस क्या है डेल्टा यू स्क्वायर बाय डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है, और अगर आपका थ्री डी में लें तो यहाँ पे डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा डेल्टा यू बाय डेल्टा जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो होगा, ठीक है, ये चीज़ आपका आएगा। अब यहाँ से कंडीशन ये है कि इसका जो बाउंड यहाँ पे जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ अलग अलग बाउंड्री इसमें आता है उसको आपको बताते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसका जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगा वो कौन कौन सा आएगा पर यहाँ पे समझ लें इस चीज़ को, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में इसका, तो सबसे पहले तो आपका ये आएगा आपका, तो फर्स्ट बाउंड्री प्रॉब्लम जो है हम लोग क्या यहाँ पे कहेंगे क्या ये द ड्रिजलेट प्रॉब्लम, ठीक है, टी एन आर, ठीक, इसको लिखेंगे द ड्रिजलेट, द ड्रिजलेट प्रॉब्लम्स, ठीक है, नंबर न्यूमैन प्रॉब्लम, द न्यूमैन जो होगा द न्यूमैन प्रॉब्लम ये, और तीसरा जो है आपका आर रॉबिन प्रॉब्लम, ठीक है, द रॉबिन प्रॉब्लम्स, ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ आपको मिलेगा रॉबिन प्रॉब्लम, ये आपका फर्स्ट यहाँ पे है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, थर्ड बाउंड्री कंडीशन, और अगला ले लेंगे हम लोग फोर्थ बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, फोर्थ बाउंड्री कंडीशन, फोर्थ बाउंड्री बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, ये चीज़ है आपका यहाँ पे डी ऑन डी, ठीक है, आपका ये डी जो है ये आपका इसमें जो है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहला कंडीशन ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ठीक है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे यू एक्स जीरो लेंगे, पहले एक्स जीरो लेंगे, फिर हम लोग क्या लेंगे यू एक्स बी लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग क्या लेंगे यू जीरो वाई लिखेंगे यू जीरो वाई लेंगे, और अगला जो हम लोग यू ए वाई लिखेंगे यू ए वाई, ठीक है, यू ए वाई ये हम लोग को लेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आपका एफ एक्स आएगा, बाकी सारा जीरो 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 आ जाएगा आपका पहला केस में, दूसरा भी ये जीरो आ जाएगा आपका,
तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। इसको याद रखना है आप लोगों को, ये जीरो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे आपका एफ वाई आ जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो 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 आपका, ये आपका अलग अलग कीजिए, ये आपका एफ आई हो जाएगा, ठीक है सर। इसको एफ आई तो एफ तो ले चुके हैं आपका, ये आपका जी वाई हो जाएगा आपका। तो ये इसका अलग अलग केस है इसका, ठीक है। ये फर्स्ट केस आपका है, ये आपका सेकेंड केस, ये आपका थर्ड केस, ये आपका फोर्थ केस आपका, ये आपका हम केस बता रहे हैं इसका सारा। मतलब ये केस जो है हम आपको बाउंड्री कंडीशन का केस बताएगा, ठीक है। ये केस जो भी है आपका वो कौन सा केस है आपका, बाउंड्री कंडीशन का केस है आपका, बाउंड्री कंडीशन का केस। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हर जितने भी केस है सारे में क्या होगा, आपको लाप्लास इक्वेशन को आपको बताना है इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा जब केस नंबर वन हो, ठीक है। केस नंबर वन में आपको देखें यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा आपका, यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका यू एक्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर ये कंडीशन, मतलब कंडीशन नंबर वन में आप क्या लेंगे, बाउंड्री कंडीशन जब ये हो आपका। कंडीशन नंबर दो आपका ये है आपका केस नंबर टू, फिर केस नंबर थर्ड, केस नंबर फोर। तो हर केस में इसका सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, ठीक है। हर केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा उस चीज़ को हम डिस्कस कर देते हैं। आपका केस दो उसका बाउंड्री कंडीशन सारा का लिखा हुआ है, सिर्फ हम इसको आपको सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका, ठीक है। ये जो बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, ये केस बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन, सारा बाउंड्री कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन होगा उस चीज़ को हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो केस नंबर वन का बाउंड्री कंडीशन क्या क्या वो देख लेंगे पहले हम लोग, ठीक है। और हर केस में इसका हम लोग इसका बाउंड्री कंडीशन इसका क्या क्या दिया हुआ उस चीज़ को देखें। पहले यू एक्स जीरो कितना है आपका, यू एक्स जीरो इक्वल टू कितना आपका एफ ऑफ एक्स है। अगला है यू एक्स बी कितना है आपका, यू एक्स बी इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका, ये जीरो दिया हुआ आपका। अगला है यू जीरो वाई इक्वल टू कितना आपका, जीरो है। और यू ए वाई ये आपका क्या है, आपका जीरो है, ठीक है। ये चीज़ आपका दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से एक्स का जो वैल्यू है पता है आपको, ये होगा आपका एक्स का वैल्यू, और वाई का जो वैल्यू होगा क्या होगा आपका, ये होगा वाई का वैल्यू। अब इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इस कंडीशन में केस नंबर वन में जो सॉल्यूशन होगा आपका वो आपका आ जाएगा क्या, यू एक्स वाई, यू एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा आपका, समीशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू क्या होगा, इन्फिनिटी। और ये आपका डी एन होगा आपका, साइन एन पाई एक्स, साइन एन पाई एक्स बाई क्या होगा ए, ठीक है। और ये होगा आपका साइन एन पाई, साइन एन पाई बाई ए, और ये आपका वाई माइनस क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को जो डी एन का वैल्यू निकलेगा, और डी एन इक्वल टू क्या होगा, हम लोग का डी एन का वैल्यू क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टू बाई ए साइन हाइपरबोलिक ऑफ एन पाई बी, एन पाई बी बाई ए, और ये आपका होगा जीरो से, जीरो से, और ये आपका होगा एफ एक्स, एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई क्या होगा, ए इंटू डी एक्स, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपका आ जाएगा किसका, डी एन का वैल्यू आपका आ जाएगा। और एफ एक्स इंटू साइन एस एन पाई एक्स बाई, ये आपका डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह करके इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अब इस कंडीशन में इसको आपको याद रखेंगे, केस नंबर वन आप इसको याद, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब केस नंबर टू में देखेंगे आप, यहाँ पे क्या नंबर टू, इसमें देखें क्या कंडीशन है आपका, यू एक्स जीरो जीरो है आपका, यहाँ पे पहला तो जीरो है आपका, ये आपका क्या है, जीरो है। अगला आपका एफ ऑफ एक्स है, बाकी सब एजिटीज है, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन जो निकल के आएगा आपका, यू एक्स वाई जो होगा आपका सॉल्यूशन, डी एन साइन एन पाई एक्स वाई, ये तो सही आपका है। और ये जो आपका आएगा साइन क्या आ जाएगा आपका, ये जो फार्ट आ जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक, और यहाँ पे आ जाएगा पाई ए पाई वाई, पाई ए वाई इंटू वाई आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका साइन एन पाई होगा, सॉरी यहाँ पे लिख दें एन पाई, एन पाई बाई ए इंटू वाई आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन में आपको याद रखना है आपको डी एन साइन, यहाँ पे जो डी एन का जो वैल्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ए साइन एच पाई एन पाई बी बाई ए आपका, ये सही है, जीरो से ए, और आपका एफ ऑफ एक्स इंटू साइन पाई एन पाई बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका ए वैल्यू आपका निकलेगा वाई का। और उसमें जो पहला केस था वही केस आप इसमें भी आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, साइन होगा एन पाई, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो ए था वहाँ पे आपका बी हो जाएगा इस कंडीशन में, यहाँ जो ए है आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, और सारा रिप्लेस हो जाएगा आपका एक्स जो है वाई के साथ रिप्लेस हो जाएगा आपका साइन एच, ये क्या आपका साइन एच मतलब हाइपरबोलिक एन पाई बाई बी, एन पाई बाई बी इंटू क्या आपका ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ये आपका आ जाएगा आपका। और डी एन में आपका जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका एफ एक्स की जगह क्या होगा आपका जी वाई हो जाएगा आपका।
और साइन एन पाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका एन पाई वाई होगा, और डी एक्स की जगह क्या होगा डी वाई। आपको सिंपली क्या किया आपको समझ में आता होगा, ए को बी में रिप्लेस कर दिया, एक्स को वाई में रिप्लेस कर दी, वही चीज़ आपका इसमें आ गया आपका। ये केस नंबर थर्ड है आपका। केस नंबर फोर के लिए भी आप ऐसे ही लिख लेंगे इसका। केस नंबर फोर के लिए इसका जो कंडीशन होगा आपका दिया हुआ कंडीशन देखें आपका, ये सर इसका बाउंड्री कंडीशन आपका दिया हुआ, इस बाउंड्री कंडीशन को लिखेंगे आप। इसका जो बाउंड्री कंडीशन आपका जो दिया हुआ है क्या है आपका, देखें यू एक्स नॉट जो एक्स जीरो इक्वल टू जीरो है आपका, फिर आपका यू एक्स बी इक्वल टू क्या है आपका, ये जीरो है आपका, और आपका फिर यू जीरो वाई जो है आपका जीरो वाई इक्वल टू क्या आपका जीरो है आपका, और यू ए वाई जो है आपका यू ए वाई ये आपका क्या आपका सी वाई है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। इस कंडीशन में जो है आपका, इस कंडीशन में जो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा कैसे निकलेगा सॉल्यूशन आप देखें, सारा ऐसा ही निकल के आपका आएगा, सारा इसमें आपका ऐसा ही आएगा आपका। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा आपका, वो क्या होगा आपका वो बताते हैं आप। ये आ जाएगा आपका एन वाई एन वन टू इन्फिनिटी है आपका डी एन साइन एन पाई वाई बाई क्या होता है बी, ठीक है, जो आपका लिखा हुआ है बी इंटू साइन हाइपरबोलिक एन पाई एक्स साइन हाइपरबोलिक एन पाई एक्स बाई क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा यहाँ पे साइन एन पाई एक्स बाई बी हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है इसका जो डी एन निकलेगा, डी एन का जो वैल्यू कैसे आ जाएगा आपका, वैसे ही आ जाएगा टू बाई क्या होगा बी इंटू साइन ये आपका हाइपरबोलिक बाई हाइपरबोलिक एन पाई बी बाई क्या होगा आपका बी, ये आपका आएगा जीरो से बी जी वाई जीरो से बी जी वाई ये आपका क्या है आपका जी वाई इंटू क्या है आपका साइन एन पाई वाई जो दिया हुआ आपका साइन एन पाई वाई बाई ए साइन एन पाई वाई बाई ए इंटू क्या होगा आपका डी वाई आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्यूशन सीखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ये कंडीशन दिया हुआ आपका, ये कंडीशन दिया हुआ डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई के इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, ये आपका दिया हुआ है। और ये जो जो दिया हुआ आपका ये पूरे कंडीशन को हम लोग इक्वेशन वन ले लिए, सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन इसको हम लोग क्या ले लिए टू ले लिए, और इस कंडीशन को हम लोग क्या ले लिए थ्री ले लिए, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ये जो सॉल्यूशन ऑफ हीट का इक्वेशन क्या होता है, इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इसका। तो आपका ये वन डायमेंशनल है, तो देखें यहाँ पे क्या होगा आपका, लिखे द सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मूला इसका ही लगेगा आपका, सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशनल, ठीक है, इन वन डायमेंशनल। एक जब डायमेंशनल होगा आपका वन डायमेंशनल, इसमें क्या आपका होता है यू एक्स टी इक्वल टू क्या होगा आपका यू एक्स टी आपको। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, अब इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन फोर ले लेते हैं, ये इक्वेशन हम लोग क्या लेते हैं फोर ले लेते हैं। अब इक्वेशन फोर ले लेंगे, अब इसको हम लोग को एक चीज़ और पता होगा, हम लोग को सी एन जो होता है, हम लोग को सी एन का वैल्यू भी यहाँ पे सी एन का भी वैल्यू हम लोग को मिलता है सी एन सी स्क्वायर एन इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के नंबर क्या आ जाएगा फाइव हो जाएगा आपका। ये सारा इक्वेशन आ गया। अब हम लोग पहले ई टू दी पावर एन का ई एन का वैल्यू हम लोग का यहाँ से भी होता है, पता होगा ई एन का वैल्यू क्या होता है यहाँ से। ये सारा फॉर्मूला है आपका, ई एन इक्वल टू जो होगा आपका टू बाई जीरो से ए, जीरो से आपका क्या होगा आपका ए, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई क्या होगा आपका साइन एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। और यहाँ से जो एन इक्वल टू क्या आपका वन टू थ्री ये आपका है। तो इक्वेशन पाँच है, एक इक्वेशन कितना होगा आपका छः, तो ये आपका इक्वेशन छः हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे चार पाँच छः, ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं इक्वेशन फोर फाइव सिक्स, ठीक है, इक्वेशन फोर कंपेयर करें इक्वेशन फोर फाइव सिक्स विथ वन टू थ्री, मतलब फोर फाइव सिक्स को हम लोग वन टू थ्री के साथ हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से क्या क्या रिजल्ट आएगा देखिए आप, कंपेयर या कंपेयरिंग फोर फाइव सिक्स विथ इक्वेशन वन, इक्वेशन क्या होगा आपका वन टू थ्री, ठीक है, इक्वेशन वन टू थ्री के साथ हम लोग क्या करते हैं इसको कंपेयर करते हैं, इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री। तो यहाँ से आप देखिए क्या क्या वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग को एफ एक्स का वैल्यू चाहिए, हम लोग को क्या क्या वैल्यू आपका आ जाएगा उस चीज़ को आप इस चीज़ को देख लें यहाँ पे।
तो यहाँ से जो वैल्यू आपका यू इक्वल टू आपका जो है, आप यहाँ देखेंगे ई टू दी पावर आपका जो है सी स्क्वायर, ए का वैल्यू जो है आपका देखिए ए इक्वल टू क्या है आपका, तो यू इक्वल टू पता होगा आपका ए आपका यहाँ है ए, तो इक्वेशन ये आपका हो जाएगा ए, ए आपका क्या आ जाएगा ए, ये आपका क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, ठीक है, ये आपका ए आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आपका आ गया बताइए, ए इक्वल टू कितना आ गया 2π। एफ ऑफ एक्स फंक्शन का इतना वैल्यू है, देखिए फंक्शन का जो वैल्यू है आपका ये आपका होता है एफ एक्स का वैल्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका होगा एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका sin³x, ठीक है, ये निकल गया आपका। अब यहाँ से सी एन स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए सारा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एन स्क्वायर के, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या एन स्क्वायर के, मतलब यहाँ से के का वैल्यू ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे कितना 2π, तो आपका 4π स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एन स्क्वायर के, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये π आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये पूरा कैलकुलेशन और यू एक्स यहाँ पे हम लोग को पुट करेंगे, यू एक्स जीरो इक्वल टू दिया हुआ आपका sin³x दिया हुआ आपका, जब ये वैल्यू हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये आपका वैल्यू टेम्परेचर की जगह टी की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे, जब टी की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे तो पता होगा ये आपका ये टर्म्स 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा ये, तो ये आपका क्या आ जाएगा इसका एन इक्वल्स टू 1 टू आपका इन्फिनिटी, और ये आपका होगा ई एन, और ये आपका आ जाएगा sin⁻x क्या होगा आपका 2, nx क्या आ जाएगा आपका 2, और ये किसका इक्वल हो जाएगा आपका sin³x का, और sin³x का पता होगा फॉर्मूला आपका sin³x इक्वल टू होता है 3 sin x माइनस 4 sin³x, तो इसका जो फॉर्मूला होगा आपका क्या होगा 1/4 × 3 sin x माइनस क्या होगा sin³, मतलब sin³x आ जाएगा, ठीक है, sin³x आ जाएगा, sin क्या होगा 3x, ये sin³x का फॉर्मूला होगा आपका। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को ब्रेक करते हैं हम लोग, एन का वैल्यू हम लोग पुट करते चलते हैं, तो एन का वैल्यू हम लोग सबसे पहले 1 पुट करेंगे, एन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे दिया हुआ एन इक्वल टू 1 है 2 है फिर 3 है पुट करते चलेंगे, और हम लोग उसके इक्वल जाएंगे, हम लोग 3 है मतलब यहाँ पे एन कितना 3x है, तो वहाँ तक हम लोग उसको इक्वल जाना है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर एन का वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका e₁ sin x/2, अगर 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका e₂ साइन क्या होगा 2 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका x, अगर 3 लिखेंगे तो ये क्या होगा e₃, और ये आपका होगा sin³x/2, अगर 4 लिखेंगे तो ये आपका होगा e₄, और ये आपका होगा sin⁴x मतलब कितना होगा 2x, ठीक है, हमको 3 तक पहुंचना है, प्लस अगर होगा e₅ तो यहाँ पे होगा sin कितना होगा 5x/2, ठीक है, प्लस होगा 6, हाँ ये आ जाएगा आपका e₆, तो ये आपका होगा sin⁶ मतलब 3x होगा, sin³x इक्वल टू क्या होगा आपका, इसको जब देखेंगे ये आपका आ जाएगा क्या 3/4, ये आपका 1/4 यानी 3/4 होगा इंटू sin⁶x माइनस होगा 1/4 इंटू क्या होगा आपका sin³x, ये आ जाएगा। अब इसको कॉफिशिएंट को क्या करेंगे आप, इसको यहाँ पे 3 है, इसके कॉफिशिएंट को आप देखेंगे यहाँ पे sin³x वाला पार्ट जो होगा आपका ये है, sin³x का पार्ट जो आपका ये वाला है, मतलब e⁶ का वैल्यू जो है आपका कितना आ जाएगा -1/4 आएगा, और sin⁶x का वैल्यू कितना है देखें आप, sin⁶x का वैल्यू आपका ये e₂ है, तो e₂ वाला पार्ट कितना आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा, तो ये बाकी सारा टर्म्स क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो आपका सारा टर्म्स क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो देखें इसका वैल्यू जो है क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं 4 आ जाएगा, ठीक है, e₂ का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी e₂ इक्वल टू कितना 3/4, ठीक है, सारा कुछ 0 आ जाएगा आपका, एक आपका e₆ इक्वल टू आएगा -1/4, e₆ इक्वल टू कितना आएगा -1/4, बाकी सब जो है 0 होगा, मतलब 3 भी 0 होगा, 4 भी क्या होगा आपका 0 होगा, और 5 भी क्या होगा आपका 0 होगा। अब यहाँ पे लोग सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, तो इसका जब वैल्यू पुट करेंगे इसका सॉल्यूशन, मतलब ux इक्वल टू क्या होगा, पहला तो आपका e₁ e₂ e₂ e₃ पूरा का आपका 0 हो जाएगा, आपका क्या बचेगा आपका, जब यहाँ पे n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, जब n का वैल्यू आप 2 पुट करेंगे मतलब 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या e₂, क्या आ जाएगा आपका e₂ मतलब क्या होगा 3/4 होगा, n की जगह में 2 पुट कर रहे हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा sin हो जाएगा, ये आपका n की जगह में 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2x, ये 2x / 2 कट जाएगा, ये sin⁻x आ जाएगा, ठीक है sin⁻x, और e⁻ क्या आ जाएगा आपको e⁻ n का फिर वैल्यू कितना आपका 2 है, 2 × 4 = 4 कट जाएगा आपका, तो e⁻ क्या होगा -kt, क्या होगा -kt,
के टी प्लस प्लस, और यहाँ पर अगला में सिक्स होगा तो माइनस होगा तो वन बाई क्या होगा सिक्स, तो इसमें क्या होगा आपका वैल्यू आ गया वन बाई सिक्स। इसमें फिर पुट करते हैं तो यहाँ पे ई सिक्स का वैल्यू वन बाई सिक्स लिख चुके हैं, यहाँ पे साइन, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा साइन, साइन में आपका आ जाएगा क्या सिक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे सिक्स तो आ जाएगा सिक्स मतलब साइन थ्री एक्स, कितना आएगा साइन थ्री एक्स, ये आ जाएगा ई टू दी पावर हम लोग सिक्स पुट किए हैं तो सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, नाइन टाइम जाएगा तो माइनस हो जाएगा नाइन के टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है आपका सॉल्यूशन निकल